घर चला। साले तेरी हरकत की वजह से मेरी बदनामी हो रही है। पता तेरे को क्या हो रहा है तू? कितने साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है तू? तेरे साथ सब पढ़े बच्चे टीचर लगे, तू क्यों तू क्यों पढ़ेगा? पापा आपको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है साले, तेरे को पता नहीं कौन सी आवाज कहाँ पे निकालनी है। तेरे को बच्चा बनाया ओम प्रकाश की आवाज निकाल रहा है, तेरी गर्दन तोड़ दूं दिल करता है मेरा। बदतमीज आदमी एक। ओ माय गॉड, अदनान साहब के लिए जोरदार तालियां। वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पियानो प्लेयर के ये मिल्खा सिंह माने जाते हैं, बड़े तेज बजाते हैं। सर जी इतनी तेज क्यों बजाते हो आप पियानो? जल्दी जल्दी बजा के कहीं जाना होता है आपको? कि आपको डर होता है कि जिसका है वो आ ना जाए? आई लव यू सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। पापा मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ तू फैन है इनका? हाँ। इनका गाना सुनेगा? हाँ। सर जी आपको गाना है ना, दो मिनट थोड़ी रिक्वेस्ट है, वो वाला ये जमीन रुक जाए दो मिनट। सर जी मैं गाऊंगा, आप नहीं, आप बैठिए। ये जमीन रुक जाए, आसमान झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ज्यादा मुश्किल नहीं, आप तीन चार बार आएंगे आप ही सीख जाएंगे। साले बेस्ती कराते इतने टैलेंटेड बाप की, तेरी कितनी कंप्लेंट आती बदतमीज के बच्चे, तेरे को तेरी टांगें तोड़ दूंगा तेरी मैं। Stop it, how can you hate a child like this? I love you too, but ये तो गलत बात है ना? तू साले तेरी पिता। हटिए। एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है क्या? ये बच्चा, इसकी हड्डियां तोड़ने को दिल करता मेरा, पता कितनी कंप्लेंट आती। आप मेरे को एक बात बताइए, इस स्कूल में श्वेता मैडम कौन है? मैं ही हूँ, बोलिए। ओह माय गॉड, आप हैं? आई एम सॉरी, मेरे बच्चे ने आपको इतना तंग किया, मुझे माफ कर दें आप। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? टीचर मेरे पापा को माफ कर दो, माफ कर दो। या पुशुम बदतमीज आदमी। अरे इतना छोटा बच्चा है, इस तरह क्यों मार रहे हैं आप? छोटा बच्चा ऐसे पांच मिनट तुम्हारे साथ और गले लगा रहता ना, मेरे से ज्यादा जवान हो जाता ये। बदतमीज आदमी, तेरा घटिया बच्चा पैदा कर दिया मैंने। वैसे एक बात है कि आपका बेटा ना बड़ा नालायक है, अपने टीचर की बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा झूठ बोलता है? मेरे को पता क्या कहता था, मेरे को कहता है स्कूल में मैं इसलिए फेल हो जाता हूँ क्योंकि टीचर पढ़ाती नहीं है। झूठे कहीं गए, 26 इंच की कमर मैडम की, वो झूठ बोलेगी? बदतमीज आदमी। आपको कैसे पता कि मेरी कमर 26 इंच है? इतने साल हो गए आपके साथ काम करते हुए। कमर का भी आइडिया ना हो तो लानत है हमारी मर्दानगी पे। आपको हद कर दी है। इसे कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई में एकदम कमजोर है, ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप, मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल, अनपॉसिबल। देखिए अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। लगता है आपके भी इंग्लिश कमजोर है। तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है साले। कल इसने मेरी चेयर पर ना ऐसे पेंसिल रख दी, मैं जाकर बैठी तो क्या हुआ? कितनी चुभी पता है, और इसने होमवर्क भी नहीं किया। तो होमवर्क कैसे करता, पेंसिल तो आपके पास है। देखिए मैडम, ओए सुनो मैडम, मेरी बात सुनिए, आप ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ाइए जो उसको अच्छा लगता है। अरे इसे सिर्फ फिल्में देखना अच्छा लगता है, दिन भर मिमिक्री करता फिरता है। फिर क्या हुआ मैडम, जिसका इंटरेस्ट पढ़ने दे, क्या पता कल को बड़ा होके यही शेर खान बना दे। आपने मेरे को फोन पे ये भी कहा था किताबें किताबें पढ़ता, क्या कौन सी गंदी किताब पढ़ी मेरे बच्चे ने? ये देखो तो, ये गंदी गंदी अश्लील किताबें पढ़ता है क्लास में। उबलती जवानी। सॉरी पापा। सॉरी का लगता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की? देखिए मैडम मैं आपको बताता हूँ, ये किताब कोई अश्लील नहीं, मैंने सारी पढ़ी है। 24th पेज पे थोड़ा सा कुछ है नोटी टेप, लेकिन इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन फिर भी ऐसी किताब तेरी हिम्मत कैसे हुई पढ़ने की? ऊपर दुपट्टा नहीं डाल सकता था। मैं वही तो कर रहा था, लेकिन मैंने जैसी मैडम का दुपट्टा खींचा ये मारने लगी। मैडम का दुपट्टा खींचता है मेरी बराबरी करेगा? साला बदतमीज बच्चा, बेइज्जती करवाते ऐसे बच्चे। मैडम एक बात करो, एक आप काम करिए, आप एल्बो से नीचे नीचे इसकी टांगे तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए टांगे इसकी। क्यों क्यों टांगे क्यों तोड़नी है? अमीर लोग हैं, हमें कौन सा चलना फिरना होता है। सारे काम हमारे नौकर ले कर देते हैं, हमें कोई काम हम नहीं करना, बच्चा सुधरना चाहिए बस। लाड प्यार ने
इसे बिगाड़ के रखा है। अरे लाड़ प्यार सब ठीक है, लेकिन इतना भी क्या लाड़ प्यार, जब देखो तब ये नाक में उंगली डाल देता है। तो नाक में उंगली डालना कौन सी बड़ी बात है, सारे डालते बच्चे, इसमें क्या है? तो फिर अपने नाक में उंगली डाले ना, दूसरों के नाक में उंगली क्यों डालता है? दूसरों के नाक में उंगली डालता है? पापा ये झूठ बोल रही है। अच्छा रेशम जैसे बाल, वो झूठ बोलेगी, वो झूठ बोलेगी। पता है आपको क्या? इसे कुछ नहीं आता। कल मैं से पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो भी नहीं बता पाया। आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगी तो कैसे बताएगा? देखिए आपको ना इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये भविष्य में कुछ कर पाएगा। क्या करें मैडम, कारोबारी ऐसा है, नहीं ध्यान दे पाते हम। क्या कारोबार है आपका? हमारा रॉयल फैमिली, बहुत सारा बिजनेस है हमारे। आपने अंबानी का नाम सुना होगा? हाँ सुना है। सेम ही है हम भी। आप इतने अमीर हैं? नहीं नहीं, हम भी उनकी तरह दो भाई हैं। अनिल पांडे, मुकेश पांडे। वैसे बिजनेस हमारा बड़ा है। अभी पिछले दिनों ये जुहू का समंदर नहीं है, उसमें हमने मिट्टी डाल के खेत बनाया, उसमें हमने मूलियां बीजी हैं। जो मेरे पिताजी ना बाबूजी घर की मूली के पराठे खाते हैं। वैसे तो हमारा डायपर का बिजनेस है, यू वॉन्ट बिलीव। मेरा एक डायपर का कंसाइनमेंट आ रहा था बाहर से, समंदर में शिप पलट गया, डायपर सारा पानी सोख गया समंदर का। हम लोग ट्रेवल करते नहीं गाड़ियों में, हम लोग हेलीकॉप्टर में रहते ज्यादातर। आपके पास हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर एक नहीं, काफी सारे हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर हैं, मतलब आप समझिए अमीर फैमिली है। मेरे दादाजी को जैसे थोड़ी सी दाढ़ में दर्द हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हो पेट दर्द हो, हम सीधा आईसीयू में जाते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते नहीं हम लोग। मेरे दादाजी एक बार नूडल खा रहे थे, फोक लग गया उनके यहाँ पे, कट गया, तीन टांके लगे। मैंने कहा इतनी अमीरी और सिर्फ तीन टांके? मैंने चाकू पकड़ा, पूरा काट दिया, पूरा यहाँ तक काट दिया। अभी इतना हिस्सा है नहीं दादाजी का, शोल्डर के बाद सीधा नाक शुरू होती है। अमीरी बड़ी है, क्या करे। हाय, आपने अपने दादाजी के साथ ऐसा किया? ओह माय गॉड, आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी। हटो, ये क्या बार बार आप गले लग जाते हैं? एक्चुअली बाबूजी के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ सरप्राइज माय बाबूजी। मेरी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से बात चल रही है। किस बारे में बात चल रही है? स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं हम लोग। आप स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं? हाँ, रात को क्या बाबूजी को ड्रिंक के साथ थोड़ी सी बर्फ डालनी होती है। मैंने कहा ले लो स्विट्जरलैंड, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं, आपको पता है एक बार मेरा पर्स भूल गया मैं जहाज में, मेरे को याद ना है कहाँ भूला है, फिर मैंने उस एयरलाइंस के सारे जहाज खरीद लिए। सारे जहाज खरीद लिए? क्यों? पता नहीं था ना किस जहाज में रह गया है, आइडिया नहीं होता, तो मैंने कहा खरीद लो सारे जहाज, आपको मेरी का अंदाजा नहीं है हमारा। आपको पता है हमारे पास खुद के दो ऑस्ट्रेलिया है, गोडाउन में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, हम जाते नहीं। पर जहां तक मुझे पता है इस दुनिया में एक ही ऑस्ट्रेलिया है। हाँ तो एक ही होगा ना, दो हमने खरीद लिए, टोटल तीन थे, एक बच गया। पापा वो अपना साउथ अफ्रीका वाला जो समुंदर था ना, हाँ? वो क्या वहाँ गर्मी बहुत पड़ती, जल्दी से उसका ढक्कन बनवा दो नहीं तो पानी सूख जाएगा। आप लोग इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं अभी भी हमारे नौकर कितने, 12 लाख नौकर हैं हमारे। हाँ हंस कह रहा है भाई, गरीब आदमी। 12 लाख नौकर हैं, हमें कभी छोले खाने हो ना तो हर एक नौकर एक एक छोला ले जाता है, घर पे भिगो देते हैं, अगले दिन हम बना के खा लेते हैं। भाई कमाल है, देखो इतने बड़े घर का लड़का और पढ़ाई में इतना कमजोर। देखिए अगर ये इस बार फेल हुआ ना तो हमें मजबूरन इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा, एक्चुअली क्या है इसकी कोई माँ नहीं है तो कभी डांटा नहीं इसको। ओह आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी फील करनी है, आप थोड़ी भागी ड्राइवर के साथ, इसकी माँ भागी ना। आप परसों फ्री है तो हम शादी कर लें। क्या शादी? हाँ आपके साथ। क्यों? अरे आपका और मेरा क्या मेल, आप इतने बड़े रईस और एक बच्चे के बाप, कुंवारे होते तो अलग बात थी। नहीं नहीं वो ऐसे बोला मैंने, मैं इसका बाप बाप कोई नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना डायपर की कंपनी, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। कंपनी की तरफ से बच्चा मिला? हाँ गाड़ी मिली, फ्लैट मिली और बच्चा मिला। वो क्या कि डायपर का डेमो देने जाते थे घर घर, तो छोटा बच्चा मिला था डेमो देने के लिए, वो भी ये बड़ा हो गया, प्यार पड़ गया, मैंने वापिस नहीं किया। शादी कर लो। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये मेरी सेक्रेटरी का। क्या कि कॉम्पिटिशन बहुत है, रात रात तक काम करते रहते थे तो ये चीजें हो जाती है। आप शादी कर लो मेरे साथ। नहीं 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 प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, पैसे सब कुछ नहीं होता, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ना म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। तो आपको क्या लगता है मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं? अब मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर हूँ, मैं गाना सुनाऊँ आपको? दरबारी रखो जरा। अदनान साहब के लिए अर्ज किया है। मुद्दता हूँ यहाँ हाय पे दरिदा, हूँ असी बैठे अखियां लाके,
मुद्दतां हुईयां बेदर्दा। ठीक से बजावे ओ असी बैठे अखियां लाके तेरा प्यार नी साड़ी किस्मत विच नहीं वे असी वेख लिया अजमा के कदियां कदियां प्यारिया बिस्मिल्ला ओ साडे सामने नजरां मिला के बो यारी दोस्ती दा मजा तद्यों दा वे साडे वांग कर बार उजाड़ के बो आपके लिए दो लाइन अर्ज की है पंजाबी में कि साड़े एक्टां ते सिखी हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के साड़े एक्टां ते सिखी हसना हो बैगी मड विच बंगले बना के गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया गुजरातियां पंजाबियां नू लुटिया चिट्टे पेपरां ते साइन करा के ਸਾਡਿਆਂ ਪੰਗਟ ਸਿੱਖੀ ਹੱਸਣਾ ਉਹ ਬੈਗੀ ਮੱਡ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਦਿਲ ਕੇ ਗੁਬਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਪੀਏ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਰਚਨਾ ਆਪ ਪੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ ਮਿਲੋਰਡ ਕਪਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੋ ਮੁਝੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਨੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨੋਂ ਮੇਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪਿਨਿਕਲ ਦ ਟਰੂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਫ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਟ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਐਕਟ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਹੇਲ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਮਾਈਲ ਔਨ ਮਾਈ ਫੇਸ थ्रू आउट द एक्ट एक खुशी थी कि यार हमें एक अच्छा एक्ट देख रहे हैं क्लीन एक्ट मजा आ रहा है एंड विथ ग्रेट टाइमिंग्स फ्रॉम ऑल द थ्री एब्सोल्युटली फैबुलस थैंक यू थैंक यू अदनान द एंटायर टीम वाज फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू वर एब्सोल्युटली अमेजिंग और आप इतना खूबसूरत गाते हैं बहुत अच्छा लगा आपका और एंड ऑफ कोर्स द क्लाइमैक्स वाज अमेजिंग द क्लाइमैक्स वाज द बेस्ट इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच जजेस टाइम नाउ फॉर द स्कोर सोहेल 10 10 points from Sohail and 10 points from Archana. Gaiki, adaigi, fankari, sab cheez ke liye 10. Thank you, ma'am.